गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ सुनील प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन कैलेंडर क्लास 12th सीजन 2020-21। तो बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का चैप्टर वाइज मंथली मासिक शैक्षिक पंचांग पे डिस्कस करूँगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। किस मंथ में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यह इसी कैलेंडर के आधार से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर इसके हिसाब से आप पीछे रह जाते हैं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर बहुत कम समय में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। अप्रैल मंथ जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पार्ट वन एंड पार्ट टू, आपके केमिस्ट्री में पार्ट वन एंड पार्ट टू, जो कि चैप्टर वन सॉलिड स्टेट दिया गया है, चैप्टर टू सॉल्यूशन दिया गया है। इसी तरह से पार्ट टू की बात करें तो चैप्टर 10 आपका दिया गया है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स। और इसके साथ साथ आप सभी को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिटिकल रिलेटिव एक्सपेरिमेंट्स, ये आपके अप्रैल मंथ में होने चाहिए। और बच्चों, कोशिश आपको यही करना है कि इस तरह की विषम परिस्थितियां चल रही हैं तो अपने घर पर ही आपको सलूशन मिल रहा है ऑनलाइन, आप उससे नोट्स बनाते जाइए और अपना अप्रैल में कितना पढ़ना है उतना ही आप पढ़िए। बहुत अधिक नहीं दिया गया है कैलेंडर में, बहुत ही आराम से बच्चे एंजॉय करते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही मई मंथ स्टार्ट होती है वहाँ पे पार्ट वन केमिस्ट्री में चैप्टर 3 आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे रिलेटिव आपके एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स, ये आपको मई मंथ में कंप्लीट करना है। और इसके बाद बेटा आप लोगों के लिए ग्रीष्म अवकाश स्टार्ट हो जाता है, जो कि जून का मंथ ग्रीष्म अवकाश में निकल जाता है। तो इसी तरह से बेटा मैं आपके लिए केमिस्ट्री पार्ट वन सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें से 4 से 5 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। तो बच्चों, आप मेरे सॉल्यूशन चैप्टर को देख करके नोट्स बनाते जाइए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, ये आपके आईआईटी और नीट लेवल का है और इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बेटा, आगे हम आपके लिए चलते हैं जुलाई मंथ। जैसे ही बेटा हम जुलाई मंथ में पहुंचते हैं, वैसे पार्ट वन का चैप्टर फोर में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर 5 में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। इसी तरह से बेटा पार्ट 2 अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 11 आएगा, जो कि एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आप यही करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे सरल शब्दों में केमिस्ट्री के लेक्चर तैयार करके आपको देता रहूँगा। तो बेटा आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगस्त मंथ में आपको पार्ट वन केमिस्ट्री का चैप्टर 6, जैसे ही आप चैप्टर 6 में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेजेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा आपको ये चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है। पार्ट 2 में अगर आप देखते हैं तो चैप्टर 12 आता है, चैप्टर 12 में आप देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड और इससे रिलेटिव कुछ आपके एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस भी
होंगे जो कि आपको अगस्त मंथ में कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही सितंबर का मंथ स्टार्ट होता है तो पार्ट वन में चैप्टर 8 आपका जैसे ही स्टार्ट होगा तो इस चैप्टर का नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं और सितंबर मंथ तक आपको अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी हो जाना चाहिए, जिससे कि आप अपना टेस्ट अच्छे से दे सकें और आपको मालूम हो सके कि हम कितने मेरी तैयारी अब तक हो चुकी है। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा अपनी तैयारी करते जाइएगा, हम आपके हमेशा साथ हैं, सर के साथ बने रहिए अपने, और आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस आपको मेहनत करनी है, मार्गदर्शन हम करेंगे, मेहनत आपको करनी है, फल आपको खाना है, हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। आइए बेटा अक्टूबर मंथ में देखते हैं तो पार्ट वन चैप्टर 9, चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटिव से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट्स हों वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही बेटा नवंबर मंथ स्टार्ट होता है तो इस नवंबर मंथ में आप देखते हैं कि जो आपका पार्ट 2 केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर 13, चैप्टर 13 की बात आती है तो चैप्टर 13 में आप एमीन पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में आप बायोमालिक्यूल्स पढ़ेंगे, चैप्टर 15 में आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका नवंबर मंथ में चैप्टर 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर स्टार्ट होगा तो पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 16, जो कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आपके जो होंगे वह भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और जैसे ही आपके प्रैक्टिकल वर्क भी यहीं से स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके, और इसके बाद जैसे जनवरी स्टार्ट होती है तो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराएंगे, रिवीजन आपको करना है, जो भी कमज़ोर प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही उसको सॉल्व करना है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, जिससे कि आप फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी हो जाओ और जाओ तो वहाँ पे सूट करके आओ, 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। तो इसी के साथ बेटा ये आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज पाठ्यक्रम है ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्ते, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।